नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल रामबाण औषधि पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बालों की समस्या के बारे में। आज हम आपको घर पर ही एक ऐसा तेल बनाना सिखा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपके बालों की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज करीब करीब सभी लोग जड़ते बालों की वजह से परेशान हैं। किसी के बाल असमय सफेद हो रहे हैं तो किसी के बाल बेहिसाब जड़ रहे हैं। दो मुहे बाल होना, बालों का कमजोर होना जैसी समस्या आजकल आम हो गई है। दोस्तों, ये सब शरीर में न्यूट्रिशन की कमी और बालों में लापरवाही बरतने से बाल जल्दी खराब होने लग जाते हैं, और कई बार यह समस्या जेनेटिक और हार्मोनल इंबैलेंस के कारण भी हो जाती है। और साथ ही जो लोग रोजाना दवाइयों का सेवन करते हैं उनके बाल भी पतले होने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की समस्या होने पर वैसे तो बाजार में बहुत सारे तेल मौजूद हैं जो कि बालों की समस्या को ठीक करने का दावा भी करते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाले इन तेलों को लंबे समय तक चलाने और खुशबूदार बनाने के लिए इनमें कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं और हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बालों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए सबसे जरूरी है कि हम घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी मदद से ही किसी भी समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको आसान और घरेलू तेल बनाना सिखा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी सारी बालों की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, यानी कि आपको लाभ होके ही रहेगा। आप तो बस निश्चिंत होकर इस तेल को बनाइए और इस्तेमाल करिए। इस तेल को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी कड़ी पत्ता, गुलाब के फूल, मेथी दाना, कपूर, आंवला, प्याज और गुड़हल के फूल की। दोस्तों, किसी भी ऑयल को बनाने के लिए हमें उसमें बेस ऑयल की जरूरत होती है जिसमें हम सारी सामग्री मिला सके। इसके लिए इस ऑयल को तैयार करने के लिए हम दो तेल का इस्तेमाल करेंगे, नारियल का तेल और तिल का तेल। दोस्तों, ये दोनों ही तेल बालों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। इसमें तिल का तेल बालों में डैंड्रफ और हेयर फॉल को तेजी से कम करता है, लेकिन अगर आपके पास तिल का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह सरसों का तेल भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 50 ml नारियल का तेल और 20 ml तिल का तेल मिलाएं। फिर इन दोनों तेल के मिश्रण में हमें सारी चीज़ों को मिलाना है और गैस पर कम आंच पर पकाना है। सबसे पहले इस तेल में आधा कटोरी यानी कि 10-15 कड़ी पत्ता डालकर 2 चम्मच मेथी दाने की मिलाएं, और फिर इसमें 1 गुलाब के फूल की पत्तियाँ और 3 से 4 गुड़हल के फूल मिलाएं। दोस्तों, गुड़हल के फूल डालते समय हमें इसके फूल के नीचे का हरा हिस्सा हटाकर बचा हुआ फूल मिलाना है। इसके बाद इसमें आधा कटा हुआ प्याज डालकर 1 कटा हुआ आंवला मिलाएं। दोस्तों, अगर आपके पास ताज़ा आंवला नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर भी मिला सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे में हम प्याज तो डाल रहे हैं, पर जब तेल बन जाएगा तब इसमें प्याज की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर सारी चीज़ें तेल में डाल देने के बाद हमें इसे कम आंच पर लगभग 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के लिए चलाना है। फिर 30 मिनट बाद गैस बंद कर दें और फिर इसके अंदर 5 ग्राम यानी कि 4 से 5 कपूर डालें। फिर जब ये तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए तो इस तेल को छानकर कांच के बर्तन या कांच के जार में निकाल लें और फिर इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल फोड़कर उसका ऑयल मिलाएं। दोस्तों, विटामिन ई हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसे इस तेल में मिलाने से तेल काफ़ी लंबे समय तक खराब भी नहीं होता है। इसके बाद यह तेल तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस तेल से हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक अपने बालों की अच्छी तरह मसाज करें और फिर सुबह अपने बालों को धो लें। दोस्तों, मसाज करते समय ज़्यादा जोर से मसाज न करें। बालों की मसाज हमेशा हल्के हाथों से और अंगुलियों की सहायता से बालों की जड़ों में करना चाहिए। ज़्यादा जोर लगाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, इस तेल में सबसे मुख्य हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल हैं। गुड़हल के फूल के अंदर विटामिन सी और एमिनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारे बाल मजबूत और घने बनते हैं। साथ ही यह झड़ते हुए बालों को रोककर नए बाल उगाने और बालों की मोटाई बढ़ाने के लिए भी यह बहुत ज़्यादा असरदार होता है। दोस्तों, अगर इस तेल को बनाते समय आपको इसमें बताई गई कोई सामग्री नहीं भी मिलती हैं तो भी आप इस तेल को बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों, अगर आप जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं वो सारी चीज़ें अरेंज कर पाते हैं तब आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे
और केवल 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही बालों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। यह तेल बालों को लंबा और घना करने के साथ साथ बालों का झड़ना भी पूरी तरह रोक देता है। अगर किसी के बाल लगातार और तेजी से झड़ रहे हैं तो उनके बालों के लिए यह रामबाण इलाज है, और अक्सर जिनके बालों में डैंड्रफ और खुजली रहती है तो उनके लिए भी यह हर बार के इस्तेमाल के बाद कम होता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आप इस तेल का 2 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने बालों की लंबाई में 6 से 7 इंच फर्क बिल्कुल दिखाई देगा। इसलिए दोस्तों, इस तेल का इस्तेमाल जरूर करें, और इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको फायदा होता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसे ही अद्भुत जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय आयुर्वेद।